दोस्तों टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। शिखर धवन किसी समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम को मजबूत स्तंभ देते थे, लेकिन समय के साथ कहानी बदल गई। उन्होंने भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है और टीम इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन बनाए हैं, 167 वनडे में 6793 रन बनाए हैं और 68 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1759 रन बनाए हैं। धवन पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2022 में बांग्लादेश दौरे पे खेला था। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में आखिरी वनडे मैच खेला था। 7 सितंबर 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। 29 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और शिखर धवन को ओपनिंग करने के लिए उतारा था। तभी से ये दोनों भारतीय बल्लेबाजी की नींव बन गए थे। इन दोनों ने मिलकर टॉप ऑर्डर में ढेरों रन बनाए हैं। रोहित के साथ धवन ने दुनिया के हर मैदान में रन बनाए हैं। बड़े से बड़े गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। सिलेक्टर्स शिखर धवन को लंबे समय तक नजरअंदाज कर रहे थे, जिसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने को मजबूर हुए हैं। रोहित शर्मा की तरह शिखर धवन तूफानी बैटिंग में माहिर थे। उनको टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था, लेकिन फॉर्म में अनिरंतरता उनके कैरियर की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। उनके पास बड़े टूर्नामेंट जिताने का अनुभव भी है। भारत ने साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, जिसमें शिखर धवन का बड़ा रोल रहा था। साल 2013 में शिखर धवन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 363 रन बनाए थे। धवन के आंकड़े को देखा जाए तो वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अव्वल खिलाड़ी दिखाई देते हैं। बाकी दोस्तों उनके कौन सी पारी आपको सबसे बेहतरीन लगी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप भी उनकी रिटायरमेंट को धन्यवाद दीजिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।